नमस्कार, बुलेटिन की करते हैं शुरुआत फटाफट खबरों से। मैं हूं बरखा शर्मा। ड्रग्स केस में एनसीबी बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक करण जौहर को एनसीबी सवालों की लिस्ट भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी 2019 के वायरल वीडियो के आधार पर पूछताछ करेगी। वीडियो में दीपिका, शाहिद, रणबीर कपूर और तमाम सितारे नजर आ रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी आज भी छापेमारी की तैयारी में। ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। एलएसी पर तनाव के बीच सरकार ने पूर्वी लद्दाख के ताजा हालात की विस्तार से समीक्षा की। यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर समेत एलएसी पर सतर्कता बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एलएसी पर तनाव के बारे में ब्रीफ किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों के साथ साथ पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पुतिन ने भारत रूस की सामरिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सेशन से पहले एक बार फिर पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतें तेज हो गई हैं। आज से पाकिस्तान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू करेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर से जुड़ी झूठी बातों को फैलाने के लिए ट्विटर पर एक हैशटैग चलाने का फैसला किया है। इसके जरिए आधारहीन और मनगढ़ंत तथ्यों की मदद से भारत की आलोचना की जाएगी। यूएनजीए के 75वें सेशन में पीएम मोदी का भाषण 24 सितंबर को होगा। इसके एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को तबाह कर दिया। इन चौकियों से पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा में नागरिकों को निशाना बना रही थी। लोकसभा में शुक्रवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम केयर्स फंड पर बयान दिया। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर ने नेहरू गांधी परिवार और पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बीच लिंक का आरोप लगाया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फंड बनाने के तरीके पर सवाल उठाए। निर्मला सीतारमण ने आगे ने कहा है कि राज्यों को लगातार पैसा दिया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जीएसटी बकाया देने की मांग उठा रही हैं। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी ने पीएम मोदी पर आरोप नहीं लगाए, पीएम केयर्स फंड पर आपत्ति जताई। अनुराग ठाकुर ने व्यक्तिगत बयान क्यों दिया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स दरें बढ़ाने के संकेत दिए। कहा राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स दरें बढ़ाने पर विचार रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा स्कूल गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। जानकारी के मुताबिक यूपी की नई फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 95,250 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,174 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 84,000 के पार पहुंची। भारत में अब तक कोरोना के 53,11,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 4,127 नए मरीज मिले, 30 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना संकट के चलते 5 अक्टूबर तक स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 11,67,000 से ज्यादा केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 21,656 नए मरीज बढ़े। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की जिला जेल में 15 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 कैदियों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे का जोरदार विरोध किया।
आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में बीजेपी ने चलो अमलापुरम रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। कमलनाथ के बिकाऊ प्रदेश वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेद जताया और कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे के दौरान बीजेपी नेता ओम अग्रवाल ने एक पुलिस अधिकारी को धक्का दे दिया। पुलिस अधिकारी ने बीजेपी नेता को थप्पड़ जड़ दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किसानों ने अधिग्रहित जमीन के बढ़े हुए मुआवजे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। फिरोजाबाद के पेमेश्वर गेट के बाद चलती मालगाड़ी के एक बोगी में आग लग गई। बोगी में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। बिजनौर में सपा नेता के घर में चल रहे गौकशी के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारतीय रेलवे विमानों के किराए की तरह ही अब किराए में यूजर चार्ज वसूलना शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक यह शुल्क मामूली होगा। एयर इंडिया की उड़ानों को दुबई में 15 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। उड़ान के दौरान एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। अमेरिका और ताइवान के बीच जल्द ही हथियारों को लेकर एक डील हो सकती है। रक्षा समझौतों के तहत ताइवान अमेरिका से कई ताकतवर मिसाइलें भी खरीदेगा। अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने का किया फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जो बाइडेन ने हमला बोला, कहा मैं वैक्सीन और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करूंगा, लेकिन देश के दूसरे लोगों की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप पर बिल्कुल नहीं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 68,93,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,02,000 से ज्यादा। रूस ने कोरोना की कोरोनावायर नामक दवा को फार्मेसी दुकानों में बेचने की मंजूरी दे दी है। दवा को हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीज खरीद सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,05,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,35,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 44,66,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। लंबे इंतजार के बाद आज आईपीएल के 13वें सीजन का शानदार आगाज होगा। दर्शकों के बिना होंगे मैच। आईपीएल के पहले मैच में आज रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। शाम 7:30 बजे मैच होगा शुरू। आईपीएल के लिए ऑस्ट्रेलिया के 21 खिलाड़ी यूएई पहुंच चुके हैं। ये सभी खिलाड़ी 6 दिनों के बजाय 36 घंटों के लिए क्वारंटीन होंगे। आईपीएल से पहले सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूएई की स्लो पिच पर कोहली और डिविलियर्स नहीं बल्कि युजवेंद्र चहल आरसीबी को मैच जिताएंगे। दिल्ली कैपिटल्स अपनी जर्सी पर थैंक यू कोरोना वॉरियर्स लिखकर खेलेगी। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह फैसला लिया था।